हेलो गाइस, मेरे नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज हम घूमने निकले हैं तो आपको भी दिखाते हैं कैसा जंगल आ रहा है, कैसा है, हरियाली है, आप सबको दिखाएंगे। आज हम देहरादून जा रहे हैं, देहरादून का सारा दिखाएंगे। ये तो ग्रीनरी बहुत सुंदर है वहाँ की, आप देखते रहिए, एक शांत वातावरण है, पोल्यूशन भी बहुत कम है। देखो देहरादून के अंदर हम घुस गए हैं, दिखा रहे हैं यहाँ को। एक्वेरियम है ये, बीच में कहीं दिखा था तो हमने उसका भी ले लिया। ये मछलियाँ थी तो मुझे अच्छी लगी तो मैंने बीच में ही आपको ये दे दिया है, इसमें दिखा दिया है, तो ये भी अच्छा लग रहा है। बहुत सुंदर सुंदर मछलियाँ थी, ये मैंने सोचा आपको ये भी आपको दिखाऊंगी मैं। देखो अब हम फिर चल दिए हैं, हिल दिख रहे हैं, एकदम शांत वातावरण, एकदम ऐसा है, बहुत बढ़िया लोकेशन है देहरादून की। गर्मी के दिनों में तो यहाँ बहुत बाहर के लोग आते हैं घूमने, भीड़ रहती है। अभी तो रोड भी शांत पड़ा है, सर्दी में थोड़ा सा कम आते हैं, थोड़ा इधर मसूरी में जाते हैं गर्मी में। गर्मियों में तो मसूरी में बहुत ही लोग दूर दूर से आते हैं घूमने के लिए, बहुत बढ़िया है। देहरादून में जब जाते हैं संडे, मतलब फ्राइडे सैटरडे संडे को, तो मतलब जो रहते हैं वहाँ पे होटल वगैरह में तो रूम नहीं मिलते हैं। उस सैटरडे संडे छोड़ के और दिन वर्किंग डे में जाएं तो सुना है होटल भी बहुत सस्ते मिलते हैं यहाँ पे। कभी देहरादून का मार्केट दिखाएंगे आपको, आज तो नहीं दिखाएंगे, आज थोड़ा जल्दी में है। और यहाँ से वुलेन कपड़े बहुत अच्छे मिलते हैं देहरादून में, बहुत सुंदर सुंदर मिलते हैं। देहरादून एजुकेशन के हिसाब से बहुत अच्छा है, यहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं बाहर के, अच्छा माहौल है एजुकेशन का यहाँ पे। देखो शांत है पूरा, आज हम शाम को ही वापस आ जाएंगे। अब जा रहे हैं, पहले तो देहरादून में इतना भीड़ भाड़ नहीं थी, जो ये हम जा रहे हैं इधर को ये समझो कि जंगल सा ही था, खाली था। अब तो यहाँ पे बिल्डिंगें हो गई है, चारों तरफ बिल्डिंग खड़ी हो गई, मार्केट बन गए नए नए। और इधर ये जो डांट वाली माता का मंदिर था, ये पूरा जंगल में आता था, यहाँ पे वन था पूरे और फॉरेस्ट था सारे में। काफ़ी दूर चलना पड़ता था, कई किलोमीटर। और अब तो जब जाते हैं ये पूरा, वहाँ तक तो मकान बन गए डांट वाली माँ के, इधर तक थोड़ी सी दूर जाते हैं तो नए नए जगह बन गई है। वो तो हमको इतना मालूम नहीं है कौन कौन सी जगह है वे, लेकिन डांट वाली माँ तक देहरादून आ गया है। और इधर हरिद्वार की तरफ तक भी काफ़ी बड़ा हो गया है देहरादून। देहरादून में बाहर के लोग तो बहुत आके बस गए हैं, जो भी है इधर प्लेन के हैं तो उन्होंने अपना मकान तो उधर बना ही लिया है। अच्छा है यहाँ पे सभी रहते हैं, बच्चों के हिसाब से ज़्यादा रहते हैं लोग, कि बच्चों की एजुकेशन अच्छी हो जाती है, इस वजह से देहरादून में ही सेट होना पसंद करते हैं।
और इधर का वेदर भी बहुत अच्छा है। देहरादून की खासियत है कि जब बारिश होती है तो बारिश हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा कब में बारिश चालू हो गई है, और फिर चिलकती धूप निकलती है। सुबह को भी काफ़ी, जैसे हमारे यहाँ प्लेन में तो कोहरा बहुत हो जाता है, देहरादून में कोहरा नहीं होता, कोहरा नहीं होता, और सुबह को जो है एकदम से चिलकती धूप निकलती है। हमारे यहाँ तो 12-1 बजे तक धूप ही नहीं निकलती है इधर प्लेन में, तो देहरादून में ऐसा नहीं है। देहरादून में तो एकदम दूर दूर तक देख सकते हैं, कहीं कोहरा नहीं होता है। और हमारे यहाँ तो जो प्लेन में हैं, जब रोड पे निकलते हैं तो थोड़ी सी दूर का फासला मतलब दिखता नहीं है। ये क्वालिटी है पहाड़ में रहने से। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है यहाँ का नज़ारा। ये हमारी थार आ रही है, मैं उतर गई थी, उधर से बच्चे बैक करके थार को लेके आ रहे हैं, हम इसी गाड़ी में आए हैं थार में। देखो बहुत बढ़िया है यहाँ। अगर ये कैमरे में इतना अच्छा नहीं लगता जितना अच्छा ये वैसे दिखता है। देखो मैं भी अपने को दिखा रही हूँ, मैंने उतर के यहाँ पे, मैंने सोचा ये यहाँ ले लेती हूँ, थोड़ा सा रील बना लेती हूँ। ये थोड़ा गांव का एरिया है इधर। जब इधर को आए तो हमने सोचा इधर को रील बनाएंगे। लोगों ने मकान जो है बहुत सुंदर सुंदर बना रखे हैं यहाँ पे। ये देहरादून से बाहर जो ज़मीन लेकर के जो मकान बनाए हैं, बहुत सुंदर सुंदर बंगलो टाइप के लोगों ने मकान बना रखे हैं, और बड़े ही सुंदर हैं। देहरादून में तो हर कोई रहना पसंद करता है। देखो ये अपने अपने ही मकान बने हुए हैं लोगों के, एकांत में ही है। देहरादून में क्या है, ऐसा नहीं है कुछ चोरी वोरी तो ज़्यादा ऐसा नहीं है कि जिस तरह से प्लेन में होता है, गुंडागर्दी नहीं है देहरादून में। बड़ा शांत माहौल है, बड़े ही अच्छे लोग हैं देहरादून में। हम तो काफ़ी दिन रहे हैं, बहुत साल रहे हैं वहाँ पे, इसलिए देहरादून अच्छा लगता है। इसीलिए बाहर के लोग भी आते हैं देहरादून में। देखो ये मकान बना रखे हैं लोगों ने, जो सर्विस मैन हैं उन्होंने तो ये बाद में देहरादून में ही मकान बनाते हैं। जैसे आर्मी वाले जो होते हैं वो तो जंगल में भी मकान बना लेते हैं, उनको तो बड़ा एरिया चाहिए और मकान बनाते हैं, निडर होते ही हैं आर्मी वाले। आर्मी वालों के ज़्यादा मकान है इधर। देहरादून में कहीं भी चले जाएं आपको ऐसा ही नज़ारा दिखेगा, हरियाली, साफ सुथरा, कोई गंदगी नहीं है। देखो कितने सुंदर सुंदर बंगलों बना रखे हैं लोगों ने। देखो ये अच्छे अच्छे लोगों के मकान हैं ये, ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे ही रिच फैमिली दिख रही है इधर में। कहीं भी बना लो देहरादून में। देखो ये भी बड़ा अच्छा, हाँ इधर को है। ये क्या है, बहुत सुंदर सुंदर मकान है, पर ये जो वीडियो में ना ऐसे नज़र नहीं आते, वैसे देखेंगे तो ये अच्छे लगेंगे। देखो फिर हिल आ गई है, ये ऊपर मसूरी दिख रही है, मसूरी है और भी कुछ होगा, गांव वगैरह होंगे। मसूरी तो पूरी नहीं दिख रही साइड से, पर वही एरिया है मसूरी का है। बहुत ही अच्छा है ये रोड, इतना चौड़ा नहीं है, ये वैसी रोड है, इसी को हम जाते हैं, इसको ना ज़्यादा भीड़ नहीं होती, जब भी जाते हैं इसी को जाते हैं। देखो
पेड़ों की तो भरमार है यहाँ पे, पेड़ ही पेड़ है, इसीलिए अच्छा लगता है। ये लोकल रास्ता है, पहाड़ी लोग भी बेचारे अच्छे होते हैं, सीधे होते हैं, बहुत सीधे हैं, और मतलब ऐसे नहीं है कि जिस तरह से कोई कोई लड़ाकू टाइप के होते हैं, ये बहुत शांत लोग होते हैं, पहाड़ी लोगों में हम काफ़ी रहे हैं। इनके पहाड़ी लोगों में एक खासियत है, बेचारों में संतुष्टि होती है, ऐसे नहीं है कि इधर से लूट लो इधर से लूट लो, बेचारे मेहनती होते हैं। जो पहाड़ी लोग होते हैं उन्हीं को पता है कितनी मेहनत से ये बेचारे अपना काम करते हैं, घर का काम करते हैं। ऊपर ऊपर जो पहाड़ में रहते हैं उनके लिए हम बोल रहे हैं, बड़ी कठिनाई की उनकी लाइफ है। आदमी थोड़ी ही दूर नहीं चल पाता, इतनी चढ़ाई होती है। ये समझो जैसे हम सीढ़ियों पे चढ़ रहे हैं, ऐसी उनकी नेचुरल ऐसी वो चढ़ाई होती है, चलना होता है रोड पे, कोई इतनी चढ़ाई पे चलना होता है। हम अपनी सीढ़ियों पे चढ़ते तो सांस फूल जाता है, तो इन लोगों की हेल्थ भी इसीलिए अच्छी रहती है कि ये चलते हैं तो इनकी एक्सरसाइज बहुत हो जाती है। पहाड़ी लोग कोई भी मोटा नहीं होता ज़्यादा, कोई कोई तो होता होगा, लेकिन पहाड़ी औरतें बहुत एक्टिव होती है। और ये औरतें पेड़ पे बहुत ऊंचाई पे चढ़ के पत्ते तोड़ के लाती है, अपनी गाय भैंस को वो चारा बना के देती है उनका, बहुत बहुत ऊंचाई से चढ़ के पत्ते काटती है, पत्ते डालियाँ काटती है, बेचारी बहुत मेहनती होती है। देखो ये यूनिवर्सिटी आ गई है, अब घूम के जाएंगे, घूम के दूर को जाएंगे तब ये आएंगे मेन गेट पे, इनके इसके जाएंगे तो थोड़ा सा घूमना पड़ेगा। पहाड़ में क्या होता है, देखने में तो लगता है कि हम आ गए, फिर भी नहीं जाते हैं, फिर भी घुमावदार होकर के काफ़ी एरिया हो जाता है, पहाड़ में वहीं के वहीं घूमते रहते हैं। मेन गेट आने वाला है, अब हम कैमरा बंद करने वाले हैं, उससे पहले बता देती हूँ, आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करना, आप कंजूसी करते हो। ओके बाय।